हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वो एक शब्द जो शांति लाए। गौतम बुद्ध। वैशाख माह की बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध के जन्म तथा मृत्यु के समय के विषय में अनेक मतभेद हैं, अतः उनकी जन्म तिथि अनिश्चित है। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों ने बुद्ध के जीवन काल को 563 से 483 ईसा पूर्व के मध्य माना है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नाम स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध के लिए बौद्ध गया नाम स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बौद्ध गया के अंतरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य तीन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी। ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती तथा वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को तथा 8वां अवतार भगवान कृष्ण को माना जाता है। हालांकि दक्षिण भारतीय मान्यताओं में बुद्ध को कभी भी विष्णु का अवतार नहीं माना गया। दक्षिण भारत में बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार तथा कृष्ण को 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। बलराम को वैष्णव आंदोलनों के बहुमत द्वारा विष्णु के अवतार के रूप में गिना जाता है। यहाँ तक कि बौद्ध भी बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं।